हेलो फ्रेंड, मैं हूं निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर आई हूं। जी हां फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए यह बहुत ही एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल। जिनका पहले से बॉय होता है वे चाहती हैं कि उनको गर्ल हो, और जिनके पास गर्ल होती है वो सोचते हैं कि काश एक बॉय हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई लोगों के चाहने की बात। आज की वीडियो में मैं जो हमारे घर में या आसपास बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, दाइयां होती हैं, ओल्ड वाइफ्स होती हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, अरे इसके लक्षण को देख कर लग रहा है इसे बॉय ही होगा, या फिर इसके लक्षण को देख कर लग रहा है इसे गर्ल ही होगी, जो हमारे आसपास की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जैसे ही उनको मालूम चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, वे आपके लक्षणों को देखकर ही तुरंत प्रेडिक्ट कर देती हैं कि आपके घर में बॉय है या फिर गर्ल। तो आज की वीडियो में मैं उनके अनुभव को अपने अनुभव से मैच करूंगी, क्योंकि जो मुझे हुआ था वो बेबी बॉय हुआ था। तो जो उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने मेरे पर भी आजमाया था, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या उनके एक्सपीरियंस जो हैं वो आपसे भी मैच कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल में भेदभाव करें। वैसे तो जो भी हो, बेबी बॉय हो या फिर गर्ल हो, हमें यही कामना करनी चाहिए कि वह स्वस्थ हो। और जेंडर प्रेडिक्शन भी हमारे भारत में बैन है किसी भी तरह से, लेकिन हम तो बस एक इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, जो मेरे आसपास की महिलाएं थीं, तो दाई आती थी मेरे घर पे, तो वे मुझे देखकर बोलती थी कि आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि उनके अनुसार जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके राइट साइड में भारी भारी लगता है, पहला पैर राइट बढ़ाती हैं या फिर राइट साइड में सो नहीं पाती हैं, तो उनके बेबी बॉय होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे मामले में भी यही हुआ था। मैं लेफ्ट साइड ज़्यादा सोती थी, लेफ्ट साइड ही मुझे पसंद आता था, राइट साइड मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो बैक साइड नहीं सो सकती, और पेट के बल सोना आपको अलाउ नहीं होता है, तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड ही सो सकते हो। वैसे आपको प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, क्योंकि आपका हार्ट लेफ्ट साइड ही होता है। मेरे मामले में भी यही था, मैं लेफ्ट साइड ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। 6 मंथ के बाद जो बेबी होता है वो फिर पूरे पेट में अपना घर बना लेता है, तो फिर पूरे पेट में घूमता है और उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। लेफ्ट साइड सिर्फ 6 मंथ तक ही था वो, तो इसको मैं सही मानूंगी। और एक पॉइंट देती हूँ कि बेबी बॉय हुआ था, तो ये पॉइंट सही है। उनका अगला जो प्रेडिक्शन है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका जो फेस होता है, अगर वो डल हो जाए, स्किन डार्क हो जाए या फिर पिंपल्स आ जाएं, मतलब जो उसकी खूबसूरती होती है वो थोड़ी कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और वही अगर खूबसूरती दुगनी हो जाए, चेहरे पर ग्लो आ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, तो उसने बेबी गर्ल कंसीव किया है। उनका ये अनुभव भी मेरे से मैच करता है, क्योंकि जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरा जो फेस था वो डल हो गया था, स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, तो मुझे भी बहुत सारी महिलाएं यही कहती थीं कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। तो ये भी पॉइंट मैं बेबी बॉय के लिए उनको देती हूँ। अगला जो पॉइंट है उसमें वो कहती थी कि प्रेगनेंसी में जो लेडीज मीठा खाती हैं, मीठा देखकर उनको क्रेविंग फील होती है, उनको बेबी गर्ल होती है, और जिनको प्रेगनेंसी में मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है उनको बेबी बॉय होता है। तो ये बात मेरे मामले में बिल्कुल गलत साबित हुई थी, क्योंकि मुझे मीठा देखकर बहुत ही मीठा खाने का मन करता था और मुझे मीठा ज़्यादा पसंद आता था, और मुझे बेबी बॉय हुआ था, इसलिए ये पॉइंट उनको नहीं जाता है, ये पॉइंट उनको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं 3 ही पॉइंट डिस्कस कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं जो उन्होंने मुझे बोला था,
और बहुत सारे पॉइंट मेरे ऊपर सही भी साबित हुए थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।